जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों ने 100 घंटे से अधिक समय से चल रही तलाशी अभियान के बाद फिलहाल गोलीबारी बंद कर दी है। सेना के इस ऑपरेशन में देश 4 जाबाजों को गंवा चुका है। 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनचक, जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट और राइफलमैन रवि कुमार राणा शहीद हो चुके हैं। हालांकि अभी ये ज्ञात नहीं है कि आतंकवादी सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए हैं या अभी भी छिपे हुए हैं या भाग गए हैं, क्योंकि मंगलवार रात से शुरू हुई मुठभेड़ आज 5वें दिन में प्रवेश कर गई है। ऊबड़ खाबड़ इलाकों से लेकर खराब मौसम तक अनंतनाग का मुठभेड़ इलाका अब तक सुरक्षा बलों के लिए अनुकूल नहीं रहा है, लेकिन सुरक्षा बलों ने हमले निरंतर जारी रखे हैं। आतंकवादियों का शिकार करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आतंकवादी 2 से 3 की संख्या में हो सकते हैं और ये सभी लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी समूह से हैं, जो गडोल के जंगलों में एक गुफा में छिपे हुए हैं। ये इलाका इनके लिए अनुकूल है। घने जंगल, पहाड़ियाँ और खाइयाँ इस क्षेत्र को बेहद खतरनाक बना देती हैं। यह क्षेत्र पीर पंजाल रेंज से भी जुड़ा हुआ है। छिपे हुए आतंकवादियों में से एक उजैर खान है, जो इलाके में सक्रिय है और इलाके से पूरी तरह से वाकिफ है। वह पिछले साल लश्कर में शामिल हुआ और एक साल के भीतर तथाकथित कमांडर भी बन गया। उधर शनिवार शाम भारी बारिश के कारण आतंकवादी विरोधी अभियान प्रभावित हुआ था। गोलीबारी रुक गई है और बारिश ने आतंकवादियों को अपनी चाल की योजना बनाने के ज्यादा अवसर दे दिए हैं, जिससे सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। भारी गोलीबारी के दौरान जंगलों में आग भी लग गई थी, लेकिन बारिश से आग बुझ चुकी है। सूत्रों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवादी जंगल और उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। ऐसे खतरनाक इलाके में रसद स्थापित करने में काफी समय लग सकता है। इन 100 घंटों में सैनिकों ने सैकड़ों मोटर गोले और रॉकेट दागे हैं और उच्च तकनीक उपकरणों के साथ संदिग्ध आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। आतंकियों की हर हरकत पर क्वाडकॉप्टर और ड्रोन से नजर रखी जा रही है।